2014 से साहब आप जुमला दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे कि इंडिया जीते, कि पनौती प्रधानमंत्री है हमारे पास, हिटलर प्रधानमंत्री है, ये 2014 से ही ये पनौती है। जुमलेबाज प्रधानमंत्री, अहमदाबाद से ये आवाज निकली पनौती प्रधानमंत्री, उन्हीं के तो गुजराती भाइयों ने ये नाम दिया ना। ये अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री है, ये उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री है। जुमलेबाज प्रधानमंत्री ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाए, फिर से हम प्रधानमंत्री बन जाए। नई शिक्षा नीति देश के युवा नौजवानों को बेरोजगार बनाने का, अनपढ़ बनाने का, ये नई शिक्षा नीति है कि ऐसा पनौती प्रधानमंत्री अब नहीं चाहिए। 2024 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, सभी राज्यों से हार चुके हैं। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजकुमार पासवान जी। जिस तरीके से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है, लेकिन जो इंडिया थी वो हार गई थी, लोगों में मायूसी छाई हुई थी, लेकिन मैच देखने नरेंद्र मोदी जी पहुँचे थे और यहाँ पर आप पोस्टर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बताओ पनौती कौन। तो कहा जा रहा है कि जो इंडिया जो मैच हारी थी नरेंद्र मोदी जी की वजह से हारी थी, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जनता ने नाम दिया, वो हार का नाम है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, और पनौती का मतलब होता है जो काम न कर सके मंद बुद्धि के लोग। वो 2014 से साहब आप जुमला दे रहे हैं देश के आवाम को, देश के 135 करोड़ जनता को, और आप हौसला अफजाई करने गए थे। प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे कि इंडिया जीते, अगर वो चाहते कि इंडिया जीते तो वो अपने 7 RCR में होते, ना कि स्टेडियम में होते। और प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री का जो गरिमा होती है, वो प्रधानमंत्री वहाँ स्टेडियम में जाके पनौती सुन रहे थे। जनता ने वहाँ से बॉल फेंका, आज देश में पूरा फैल चुका है कि पनौती प्रधानमंत्री है हमारे पास। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर स्टेडियम में मैच देखने गए तो इंडिया कैसे हार सकती है? वो तो मैच होता है ना, दो लोगों के बीच एक हारता है एक जीतता है। देखिए, प्रधानमंत्री को जाने से हमारे इंडियन खिलाड़ियों पे, भारतीय खिलाड़ियों पे वो एक प्रेशर क्रिएट हो गया कि देश का प्रधानमंत्री आया है, मुझे बेहतर करना है, ये इस मैच को जीतना है। वो फ्री होके नहीं खेल सके, उनको जाना ही नहीं चाहिए था स्टेडियम में, लेकिन गए। वहाँ पे सारे चीज़ आपको बता दूँ कि सट्टा बाजार में सटोरी लोग इंडिया को हारने पे सट्टा चल रही थी, ना कि इंडिया के जीत पे सट्टा चल रही थी। सबसे ज़्यादा अगर चल रहा था तो इंडिया जीतेगी जीतेगी, लेकिन मेन सटोरी बाजार में जो सट्टेबाज लोग थे ये भी लगा हुआ था कि, और साहब बता दूँ, सीधा सा बताता हूँ मैं कि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेला, लेकिन सही खेल तो 2024 के लिए, सट्टा से पैसा आ चुका है, 2024 का चुनावी बिगुल फूक चुकी है, और अटल जी के भी समय में ये इंडिया नहीं मेडल लाई थी, वर्ल्ड कप नहीं जीती थी। आज देखिए यहाँ पे भी इतने दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी का सरकार कि देश कभी भी मेडल लाने नहीं ला पाती है। तो मेडल नहीं ला पाती तो भारतीय जनता पार्टी क्या करे? वो तो जो खिलाड़ियों के ऊपर डिपेंड करता है ना। देखिए, खिलाड़ियों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, संयोग होता है, साथ होता है, हिम्मत होती है। इस प्रधानमंत्री से सब लोग मतलब कि डरते हैं। हिटलर प्रधानमंत्री हैं, आपको बता दूं कि ये तो पनौती अभी आया ना मैडम, ये 2014 से ही ये पनौती हैं। हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड नाम दिया जुमलेबाज प्रधानमंत्री, तो ये लोग क्या कहते हैं अब कि बताइए, कांग्रेस पार्टी पनौती कर रहा है, राहुल गांधी जी पनौती करें। जब तुमने कहा पप्पू तो बहुत अच्छा था, और वो क्या कहा कि ये पप्पू है, लेकिन पप्पू आज देश को सही आईना दिखा रहे माँ बिहारी। तो आप लोग बदला ले रहे हैं क्या? उन्होंने पप्पू कहा तो आप पनौती कहेंगे? हमने पहले कहा, कांग्रेस के कोई नेता ने पहले कहा, किसने कहा?
ये नरेंद्र दामोदर मोदी स्टेडियम से अहमदाबाद से ये आवाज निकली, पनौती प्रधानमंत्री, उन्हीं के तो गुजराती भाइयों ने ये नाम दिया। देखिए उन्हीं के गुजराती भाइयों ने उनका नामकरण कर दिया पनौती। तो पनौती प्रधानमंत्री हैं। और आपको बता दूं कि जो महंगाई पे काम ना करे, जो बेरोजगारी पे काम ना करे, जो युवा नौजवान के लिए ना सोचे, जो बहु बेटियों के लिए ना सोचे, वो देश का हितैषी कभी नहीं हो सकता, वो देश का सही प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। ये अब 140 करोड़ आवाम का प्रधानमंत्री नहीं है, ये अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री हैं, ये उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री हैं, ये बिजनेसमैन के प्रधानमंत्री हैं। वो देश के लिए ही काम कर रहे हैं, बेघर को घर दिलाया है, महंगाई कम की है। जहां प्याज मिल रही है 80 रुपए किलो, वहां भाजपा सरकार बांट रही है 25 रुपए किलो। बहुत सारे G20 में बेघर हो गए, समझी। और ये प्याज की बात कर रही हैं आप, तो साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के उद्योगपति हैं, तो वो 25 रुपये प्याज तो क्या फ्री के भी प्याज दे सकते हैं। और आपको बता दूं कि जहां पे उद्योगपति व्यापारी बिजनेसमैन ये सब होंगे ना साथ, तो ये लोग तो साहब ये 25 रुपये प्याज की बात, फ्री के प्याज बांट सकते हो, 80 रुपये किलो क्यों बांट रहे, 25 रुपये किलो क्यों दे रहे हैं। तो सुनिए, आप चंद जगह 20 रुपये क्यों, आप यानी कि आप देश की जनता को बरगला रहे और उनको गलत मैसेज दे रहे हैं। आप देना है तो मंडी से उठा के सभी जनता को, एक एक दिल्ली वासी को, बिहार वासी को, देश में प्याज 25 रुपये खिला करके दिखाओ, क्यों नहीं। तो दे रहे हैं ना, सामने देखिए 25 रुपये किलो बढ़ रही है प्याज, कितने लोगों को, कितने लोगों को पता चलता है, सब लेने आते हैं। ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाएं, फिर से हम प्रधानमंत्री बन जाएं। सुन लीजिए, जिस मंशा से ये कार्य कर रहे हैं वो ये कभी सफल नहीं होंगे। 2024 में देश का अनुसूचित जाति जनजाति, देश का अकलियत, देश का ये पिछड़ा, ये कभी वोट नहीं करेगी इनको। इसलिए नहीं करेंगे कि ये प्रधानमंत्री अब राम मंदिर का घंटा बजवाना चाहते हैं, ये सनातन धर्म को आगे लाना चाहते हैं। तो आपको राम मंदिर से क्या तकलीफ है? आगे लाना चाहते हैं, राम मंदिर से क्या तकलीफ है? लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। आज राम मंदिर आवश्यक है या वन नेशन वन एजुकेशन जरूरी है? आज महंगाई, गरीबी, भुखमरी से निजात चाहिए देश को या राम मंदिर चाहिए? आपको बता दूं कि आज वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता है या राम मंदिर की जरूरत है? साहब आप देश के प्रधानमंत्री एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, हेल्थ पे बात नहीं करेंगे, देख रहे हैं? एजुकेशन की बात करी है, नई शिक्षा नीति लाए हैं। नई शिक्षा नीति देश के युवा नौजवानों को बेरोजगार बनाने का, अनपढ़ बनाने का, ये नई शिक्षा नीति है। और आपको बता दूं कि ये नई शिक्षा नीति से देश का भला नहीं हो सकता। महंगाई मतलब कि एजुकेशन इतना महंगा हो जाएगा, इतना महंगी हो जाएगी कि गरीब के बच्चे, मिडिल फैमिली के बच्चे आज भी नहीं पढ़ रहे और ये नई शिक्षा नीति में भी नहीं पढ़ पाएंगे। वो छठी क्लास में ही बिजनेस इंटर्नशिप दिलवा रहे हैं, आप सोचिए ना, छठी क्लास में ही मिल जाएगा सब। मैडम मैं बता रहा हूँ आपको कि बिजनेस इंटर्नशिप की जो बात कर रहे हैं आप, ये बिजनेस से तो आज के डेट में नहीं देखते हैं कि बनिया समाज का बेटा मैट्रिक आठवीं पढ़ करके अपने पिताजी के हाथ बढ़ाते हैं, तो बिजनेस इंटर्नशिप तो मिल ही रहा है आज से नहीं। लेकिन ये नया क्या दे रहे हैं? आज जा करके विश्वविद्यालय में पता कीजिए आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाइए, JNU में जाइए, फीस स्ट्रक्चर क्या है, किताब कॉपी कितना महंगा है, बच्चों का पढ़ाई कितना महंगा, बैग पे देखते हैं, मतलब पीठ पे देखते हैं किताबों का बोझ कितना होता है। आप भी पढ़ी होंगी, इंग्लिश एकेडमी की स्कूल गई होंगी चाहे सरकारी, कितने सारे बुक्स होते हैं। तो वन नेशन वन एजुकेशन वन ये बुक्स क्यों नहीं होना चाहिए? एक किताब, एक पढ़ाई, एक पोशाक क्यों नहीं होना चाहिए? इस पर बात नहीं करेंगे, 10 साल हो गए फिर भी इससे नहीं। आपको बता दूँ कि ऐसा
पनौती प्रधानमंत्री अब नहीं चाहिए, 2024 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सभी राज्यों से हार चुके हैं, हारने वाले हैं, रिजल्ट आने वाली है और 24 में बचा खुचा जो है वो सब देश की जनता, देश का आवाम खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनसे हमने बातचीत करी, ये कह रहे हैं कि 2024 में जो है भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, लेकिन फैसला जनता को ही करना है। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन आशीष के साथ नूरजहां, जनता आवाज़।